दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर रोहिणी द्रविड़, जो कि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हो। हमारे चैनल्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि लेट मैरिजेस की वजह से, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से महिलाओं में बांझपन बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए इसकी मुख्य वजह क्या है, किस लिए बढ़ रहा है, उस बारे में बताइए। आजकल लड़कियाँ बहुत पढ़ने लगी हैं, उसके कारण उनको पहले सेटलमेंट ज़रूरी है, उसके बाद में ही वो लोग शादी करना चाहते हैं। तो इस कारण शादी की एज उनकी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, अबव 30 इयर्स जैसे उनके एज अगर बढ़ती है, तो ओवरीज का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसके कारण फिर वो बांझपन आता है। तो लेट मैरिज एक वजह है जिसकी वजह से बांझपन आता है। जो अभी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो चल रहे हैं, उसका इफेक्ट महिलाओं के रोजा इस पर भी होते जा रहा है, तो आप ये बताइए जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस जो बोल रहे हैं, तो उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं महिलाओं में, इस बारे में बताइए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों की जो लाइफस्टाइल है आजकल, ये तो आईटी वाले लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुर्सी पे बैठ के उनका काम है, और बाहर का खाना, फास्ट फूड, ऑयली होटलिंग, ये सब बातों के कारण इनकी लाइफस्टाइल में सब गड़बड़ हो रही है, और उसके कारण पीसीओ और वजन बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। जो महिलाएं जो ज़्यादा जंक फूड लेती है, और दूसरी बात जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, उसका इफेक्ट उनके स्वास्थ्य पे, उनके हेल्थ पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। भाई, उनका वजन बढ़ता है इसके कारण, फिर पीसीओ जो बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो इनमें बहुत मात्रा में आजकल तो यंग जनरेशन में भी ये अपने को दिख रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और स्कूल, फिर ट्यूशंस और पढ़ाई, इनमें इतने व्यस्त है कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, और एक जगह बैठने के कारण ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं आजकल, तो ये उसका नतीजा है। ये जैसे महिलाओं की जब लेट मैरिज होती है, और जब महिला कंसीव नहीं हो पाती, तो ये ब्लेम गेम चलता है, पुरुष महिला पे, महिला पुरुष पे ब्लेम करती है, तो ये दोनों में फॉल्ट होता है, क्या वजह होती है? दोनों में भी फॉल्ट रहता है, मतलब दोनों में से एक को या कभी कभी दोनों में भी फॉल्ट रहता है। वही जैसे मैंने अभी बोला कि उनके ओवरीज या अंडाशय की क्षमता जो है अंडे प्रोड्यूस करने की, उसमें फ़र्क पड़ता है, उसकी क्वालिटी, अंडे की क्वालिटी, वो भी उसके ऊपर भी उसका असर होता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो इससे इसके कारण फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत जाती है। पुरुषों में भी सामान्यतः तो देखा गया है कि स्पर्म क्वालिटी सही नहीं होती, उसकी काउंटिंग बराबर सही नहीं होती, तो उसका भी इफेक्ट होता है। हाँ, ये जो आदतें हैं इनकी, लाइफस्टाइल जो है, रात रात तक जगते हैं, दिन में लेट लेट उठना है, फिर खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, खाने की चीज़ें भी जो भी खाते हैं ये सब जंक फूड और ये सब, इसके कारण फिर सब उनका ड्रिंक्स है, लेट पार्टीज है, इसके कारण स्पर्म्स पे इफेक्ट होता ही है। ऐसे कई महिलाएं हैं जो 10-12 साल तक को उनको बच्चे होते नहीं है, गर्भाशय आता नहीं, तो ऐसी जो महिला है, तो उसमें देखा गया है कि प्रॉब्लम्स कई तरह के जनरेट होते हैं, तो आप ये बताइए यदि उसको बच्चा चाहिए, तो अभी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो भी उपक्रम है, तो वो किस तरह से वो बच्चा ये कर सकती है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, पहले तो वो ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं हुआ तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो सब इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें पता चलता है कि उनके अंडाशय में कैपेसिटी कम हो गई है, अंडा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो गई है, फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार फिर IVF या जो बोलते हैं वो ही फिर उचित है। तो कितना परसेंट सक्सेस रहता है ये सारी चीज़ों में? IVF में देखिए, जितना जल्दी करेंगे, जितनी एज कम रहेगी, उसमें IVF का सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय उनके अंडा बनने की क्वालिटी, अंडे की क्वालिटी अगर अच्छी है तो IVF के रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करना है इन लेडीज़ ने, जैसे ही पता चलता है कि ये अंडाशय अंडे में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी IVF करना
अच्छा है। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप ये बताइए कि महिलाओं की जो आइडियल एज मैरिज की चाहिए वो आपके हिसाब से कौन सी एज चाहिए? 25-26 एज में उन लोगों ने मैरिज करना चाहिए और 30 के पहले बच्चा पैदा करना चाहिए उन लोगों ने, क्योंकि 30 साल के पहले अंडाशय काम अच्छे से करता है, एग्स की क्वालिटी भी अच्छी रहती है 30 के पहले। तो बाकी जो करियर के बारे में सोचते हैं वो सब 30 के बाद की ज़्यादा अच्छे है उनके बच्चे पैदा करने के लिए। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर रोहिणी द्रविड़, जो कि आप एक स्त्री रोग तज्ञ हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस इस क्लिनिक का हमारे स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, उसे देख के वे डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इवन फ़ोन कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि अभी जैसा महिलाओं के बारे में जैसा आप कहते हैं कि मतलब उनकी लाइफस्टाइल सही होना चाहिए ताकि आगे चल कर उसको कंस्यूम में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो किस तरह की लाइफस्टाइल जरूरी है आपके हिसाब से, उस बारे में बताइए। एक तो खाने पीने की आदतें, जंक फूड खाना बंद करना चाहिए उन लोगों ने। डेली हाफ एन आवर के लिए भी, आधा घंटा तो भी एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि उनका जो जॉब है वो पूरे टाइम वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती उन लोगों को। तो कम से कम आधा घंटा तो भी एक्सरसाइज उन्होंने करना ज़रूरी है। और बाकी भी टाइम पे उठेंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, तो ये सब बातें मैटर करती है। कई महिलाओं में ये भी देखा गया कि काफ़ी टेंशन रहता है, नैराश्य की भावना रहती है, तो मासिक जो धर्म है, जो साइकिल है, वो इम्प्रॉपर वे में चला जाता है, तो उसका भी टेंशन होता है महिलाओं को, तो ये भी ये सब एक फैक्टर्स है क्या? हाँ, ये भी है ना, ये सब विशेष स्तर पर है। जैसे ये उनकी जो आदतें हैं उसकी वजह से PCO, अभी मैंने बताया, वैसे PCO होता है, PCO होने के कारण उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके कारण पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते तो बच्चे नहीं रुकते, उसके कारण फिर उनका मानसिक भी स्वास्थ्य कम होता ही है। मैम, जैसे दूरदराज के दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके क्लिनिक में यदि वे विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए कि अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, किस तरह का आर्ट ऑफ स्टेट फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल, उस बारे में बताइए ट्रीटमेंट। मेरे यहाँ लेडीज़ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, मासिक महावारी के, मानसिक के, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, या फिर बाद में मेनोपॉजल है, सब ये भी देखा कि मैम अभी नेचुरल डिलीवरी के बदले भी सीजरियन डिलीवरी का भी ज़्यादा ये चल रहा है, तो नेचुरल के लिए हम किस तरह का ये जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट तो वो एज, जो मैंने अभी बताया, एज फैक्टर बहुत बड़ा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो जो बोनी स्ट्रक्चर है या मसल है वो सब तुम्हारा धीरे धीरे उसकी पावर कम होते जाती है ना। तो और उनकी भी मानसिकता, पेशेंट्स की भी आजकल नहीं रही, पेंस सहन करने की आदत भी नहीं हुई उनको, वो खुद आके बोलते हैं कई बार कि नहीं नहीं हमको नॉर्मल चाहिए आपसे। ओके, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर रोहिणी द्रविड़ मैम, जिन्होंने हमारे चैनल्स को बताया कि किस तरह की महिलाओं की एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए ताकि वो टाइम पर कंसीव हो पाए, बांझपन न बढ़े उनमें, और जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे हर तरह की ट्रीटमेंट, महिलाओं से डिजीज से रिलेटेड हर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो जरूर हमारे पे जो दर्शक है, पेशेंट देख रहे हैं, आपके यहाँ विजिट करेंगे और आप उसका लाभ लेंगे, और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत के लिए उसके धन्यवाद। थैंक यू।